नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोकीन रखने के मामले में गिरफ्तार की गई पश्चिम बंगाल की युवा बीजेपी नेता पामेला गोस्वामी को आज शनिवार को एनडीपीएस कोर्ट ने 25 फरवरी तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। सुनवाई के दौरान गोस्वामी ने कहा कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। एनडीपीएस कोर्ट में सुनवाई के दौरान पामेला गोस्वामी ने पार्टी के एक नेता राकेश सिंह की गिरफ्तारी की मांग भी की थी। राकेश सिंह कैलाश विजयवर्गीय का करीबी बताया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में सीआईडी जांच होनी चाहिए। पामेला ने कहा कि राकेश सिंह ने एक शख्स को पाउच लगाने के लिए भेजा था। मुझे विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी मिली है। मैंने 5 दिन पहले एक ऑडियो रिकॉर्ड किया था। उन्होंने कहा कि ये एक साजिश है जो लंबे समय से मेरे खिलाफ रची जा रही है। न्यू अलीपुर पुलिस स्टेशन की भी एक साजिश हो सकती है। पामेला ने कहा कि डिटेक्टिव डिपार्टमेंट या सीआईडी को मामले पर गौर करना चाहिए, सच्चाई की जीत होगी। वहीं पामेला के आरोपों पर बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने सफाई दी है और कहा कि ये सब ममता बनर्जी और उनकी सरकार के इशारे पर हो रहा है। जबलपुर से बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने कहा कि ये बातें बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि मुझे और पार्टी को बदनाम करने के लिए पामेला से मेरा बुलवाया गया है। मैं उस लड़की को जानता तक नहीं हूँ। ये आसान है कि आप किसी को भी कुछ भी कह दो। आज मेरा नाम लिया गया है, कल बीजेपी के किसी सीनियर नेता का भी नाम लिया जा सकता है। राकेश सिंह ने कहा कि मैं तो चाय नहीं पीता हूँ और मेरा नाम कोकीन से जोड़ दिया। अगर ये आरोप साबित हो जाता है कि मैं कोकीन के इस मामले से किसी भी तरह से जुड़ा हूं तो हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दूंगा। फिलहाल कोर्ट ने पामेला को 25 फरवरी तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। कोर्ट से बाहर निकलने के दौरान पामेला ने एक बार फिर से सीआईडी जांच की मांग की है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।